अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12th चैप्टर का 7th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज। यानी कि हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, किसकी वजह से? एक चार्ज की वजह से जो कि उसके अंदर मौजूद है, उस सरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, फ्लक्स का हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लक्स इज़ द नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट, इसका द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसकी कल डिटेल हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। तो आज हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंसीडर करनी पड़ेगी, एक सफ़ेयर को, क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लें, जो कि हम कह देते हैं कि सफ़ेयर है कोई। क्या है? सफ़ेयर है। ठीक है, कंसीडर ए क्लोज सरफेस से के सफ़ेयर है। ठीक है, ज़रा देखिएगा, अब हम एक सफ़ेयर को बनाते हैं यहाँ पे। ये हमने एक सफ़ेयर लिया है, ठीक है, इसके दरमियान में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्या कौन सा चार्ज मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज क्यू मौजूद है बेटा। ठीक है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना इस बात का। अच्छा, अब ये एक फुटबॉल है, लेट्स सपोज, क्या है, फुटबॉल के सेंटर में हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, प्लस पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल की जो सरफेस होती है वो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है, तो अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, इस फार्मूले की एक लिमिटेशन है, इस फार्मूले की एक लिमिटेशन है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये क्लोज सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्लोज सरफेस मुराद के स्फेरिकल सरफेसेस पे। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे सरफेस फ्लैट होती है। क्या होती है बेटा? फ्लैट सरफेसेस के ऊपर क्या होता है बेटा, ये एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे सरफेस फ्लैट नहीं होती वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो कि अब ये हमारे पास क्या फ्लैट सरफेस है? नो, फ्लैट सरफेस नहीं है। तो हम इसको फ्लैट सरफेस बनाएंगे पहले किसी तरह। ठीक है, हम इस सरफेस को स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्मॉल स्मॉल पैचेस में, एन नंबर ऑफ पैचेस में क्या कर देंगे, डिवाइड। अच्छा, बड़े बड़े पैचेस में डिवाइड करने का नुकसान क्या होगा? तो वो पैच भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा, वो कर्व की शक्ल में होगा बेटा। जो जितना स्मॉल सरफेस हम पैच बनाएंगे उतने ही वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं आसानी के साथ, ये फ्लैट है। क्या है? फ्लैट है। तो हम एक पैच यहाँ शो करवाता हूँ मैं, इस तरह से एक पैच मैंने शो किया है बेटा। ठीक है, अब इस पैच के जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेक्टर एरिया की नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होती है बेटा, पता ना इस बात का? तो ये मैं एरिया की डायरेक्शन शो करवाने लगा हूँ बेटा। ये क्या है? एरिया। बात समझ आ गई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती हैं वो चार्ज क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती हैं बेटा? वो भी इस पैच से बाहर की तरफ निकल रही होंगी बेटा। बात समझ आ गई? वो भी उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, यही सेम डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा बात समझ आ गई? ये हमने एक पैच ड्रॉ किया। क्या, कितने पैच ड्रॉ किए? इस तरह हमने एन नंबर ऑफ पैचेस ड्रॉ करने। कितने पैचेस ड्रॉ करने? किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। तो एन पैचेस यानी इस पूरे सफ़ेयर को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पैचेस में, वो की तादाद हमें नहीं पता, हम कहते हैं एन नंबर ऑफ पैचेस हैं बेटा। ठीक है, अब ये एक सरफेस जो है, ये बनी है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फ्लैट है। ये क्या है बेटा? तो फिर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए इस सरफेस के ऊपर, तो हमने इसको क्या किया, एन नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया। तो हमने एक पैच को कंसीडर कर लिया कि ये फ्लैट है। क्या है बेटा? होता नहीं है, कंसीडर करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, अब ये फ्लैट है, तो अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने पैचेस हैं, एन नंबर ऑफ पैचेस हैं। कितने पैचेस हैं बेटा? एन नंबर ऑफ पैचेस हैं। तो उन सब में की जो, उन सब में का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या उन सब में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही होंगी, या उन सब की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्या होगी बेटा? अच्छा देखो, इसका जो एरिया है
वो ए वन है क्या बेटा? अब कोई और एक और पैच है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। उसका एरिया क्या होगा बेटा? उसकी डायरेक्शन ये है ए टू, इसको हम डेल्टा ए वन कह दें, ये डेल्टा ए टू है। और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, वो ई होगी बेटा। ये इसको ई वन कह दें तो ये ई टू हो जाएगी बेटा। इसी तरह ई थ्री ए थ्री ई फोर ए फोर, इस तरह से डिफरेंट पैचेस बनेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि भाई डिफरेंट जो पैचेस हमने ड्रॉ किए हैं उनका एरिया डेल्टा ए वन है, डेल्टा ए टू है, डेल्टा ए थ्री है, ये डिफरेंट एरियाज हैं बेटा, ठीक है। हमने क्या किया है कि इस सरफेस को, सफेरिकल सरफेस को पैचेस में क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया है। कितने पैचेस में? एन नंबर ऑफ पैचेस में बेटा, ठीक है, एन पैचेस। तो इन पैचेस का जो एरिया होगा, तो वो एरिया क्या होगा बेटा? डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री अप टू डेल्टा ए एन। ये एन पैचेस का बेटा क्या होगा? एरिया होगा। क्या होगा? एरिया एक पैच का, ठीक है, एक पैच का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथा का। हर एक पैच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही होंगी वो क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? ई वन, ई टू, ई थ्री अप टू ई एन। बेटा बात समझ आ गई? ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी हर एक पैच के ऊपर बेटा, ठीक। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब बेटा देखो, ये हमने क्या किया, डिफरेंट पैचेस बनाए थे, उन पैचेस का एरिया है ये, डिफरेंट पैचेस का डिफरेंट एरिया। तो इन पैचेस की में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो बेटा, वो ये है ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, ई एन, इस तरह से, ठीक है बेटा। अब अगर हम एक पैच का, पैच वन की का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, क्या मालूम करें? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, तो फिर क्या होगा ज़रा देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच वन, अब ज़रा देखो, हम उसको कहेंगे फाई वन, क्या कहेंगे बेटा? और उसका फार्मूला क्या होगा? ई वन डॉट डेल्टा ए वन। बात समझ आ गई? ई वन डॉट डेल्टा ए वन, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम मालूम करें पैच टू का, तो वो बनेगा फाई टू इज इक्वल टू ई टू डॉट डेल्टा ए टू। बेटा बात समझ आ गई? इस तरह चलते चलते हम एन पैच का, एंथ पैच का बेटा क्या मालूम करें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें, तो फिर क्या होगा? वो होगा फाई एन ई एन डॉट डेल्टा ए एन। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात यहाँ तो मुश्किल लगे हो ज़रा पूछ लो। अगर हम ये कहें कि इस पूरे सरफेस में से, इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, कितनी लाइंस फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हमें टोटल फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? तो हम टोटल फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई कह दें। क्या कह दें बेटा? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री अप टू सो ऑन प्लस फाई एन, अप टू प्लस फाई एन। बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई एन तक हमने इनका सम कर लिया टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूज़ पुट करते हैं। ज़रा देखिएगा कि वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। फाई ई इज़ इक्वल टू फाई वन की वैल्यू क्या है? ई वन डेल्टा ई वन ए वन, ई वन डॉट डेल्टा ए वन। फाई टू की वैल्यू क्या है? ई टू डॉट डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ई एन डॉट ए एन। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो कि अगर हम इनका क्या मालूम कर लें? सम मालूम कर लें। सम मालूम करने से पहले हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या कहेंगे इनके ऊपर? यहाँ वेक्टर्स डाल लें, इस तरह से, ठीक है।
अब ये क्या है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे बनेगा ई वन डेल्टा ए वन कॉज ऑफ थीटा प्लस ई टू डेल्टा ए टू कॉज ऑफ थीटा प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री कॉज ऑफ थीटा अप टू सॉन ई एन डेल्टा ए एन कॉज ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, अब गौर से समझना, यह है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और होगी। वैल्यू से मुराद है कि वेक्टर कुछ और होगा, ठीक है। इधर वेक्टर कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर कैसे चेंज होता है? वेक्टर को चेंज करने के दो तरीके हैं, तीन हैं लेकिन हैं बेसिक दो। एक तो बेटा उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, वेक्टर चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्शन सेम रखें, मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, वेक्टर चेंज हो जाएगा। या तीसरा तरीका दोनों को चेंज कर दें, ठीक है बेटा, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब देखो, फ़र्ज़ कर लो इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये है और इधर ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो वेक्टर भी क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड अगर ये बात करें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इस सरफेस के ऊपर मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, और इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बात समझ आ गई। तो ये पैचेस कहाँ लाए कर रहे हैं, ऑन द सरफेस, कहाँ लाए कर रहे हैं बेटा, ऑन द सरफेस। तो इधर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, वही इधर होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा आपस में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो हमने यहाँ पे अलग अलग वेक्टर्स लिखे, क्या लिखे बेटा, यहाँ क्या लिखा है, वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। तो हमने ये नहीं कहा ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री, समझ आ गई। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, किसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड जो है ई वन बराबर है ई टू के, ई टू बराबर है ई थ्री के, ई थ्री बराबर है ई फोर के, ई एन के बराबर है, और सब बराबर है ई के। बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई, ज़रा पूछो। अच्छा मुझे ये ज़रा बताओ कि इधर दोनों पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम क्यों होगी, सोचने की बात है। क्योंकि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर बेटा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बेटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी बेटा। बात समझ आएगी। तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई, ज़रा पूछ लो। हम लिखेंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम है दोनों पैचेस के ऊपर, तो ई वन की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी, और वही वैल्यू किसकी होगी ई थ्री की, और वही वैल्यू किसकी होगी ई एन की, और वही हम उसको नाम दे देंगे ई का, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, ई का, ठीक है। अब जितने भी ई वन ई टू ई थ्री नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ई, क्या कंसिडर कर लेंगे, ई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई डेल्टा ए वन। अच्छा अब देखो, क्योंकि हर जगह हर पैच पे ई और ये जो हमारा ए है ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है बेटा, पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो डिग्री। अभी हम जो बाद में अगले स्टेप में करते हैं, कॉस थीटा प्लस ई डेल्टा ए टू कॉस थीटा प्लस ई डेल्टा ए थ्री कॉज ऑफ थीटा प्लस अप टू ई एन डेल्टा ए, ई एन तो नहीं आएगा, कॉस थीटा। बेटा बात समझ आ गई। तो अब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या, दोनों हर जगह पे वो क्या है, सेम है, क्योंकि ई वेक्टर पैरेलल है किसके, हर पैच के बेटा, ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा बेटा, ज़ीरो डिग्री। क्या बनेगा, ज़ीरो डिग्री। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, वन। तो हम लिख देंगे कॉस ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, ठीक है बेटा। तो अभी अगर वैल्यूज पुट कर दें हम तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई डेल्टा ए वन प्लस, इसकी जगह आ गया वन, ठीक है बेटा, ई डेल्टा ए टू ई डेल्टा ए अप टू ई डेल्टा एन। बेटा बात समझ आ गई। अब ई सब में क्या है, कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई
इनटू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू सो ऑन प्लस ई डेल्टा एन। बेटा यहाँ तक कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब हमने पूरी सरफेस को एन पैचेस में डिवाइड किया था, हर एक पैच का कोई ना कोई एरिया है। अगर हम ये चाहें कि इन तमाम पैचेस के एरिया को क्या कर लें, जमा कर लें, ये क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास 10 रुपये थे, आपने 3 रुपये एक भाई को दे दिए, 2 रुपये एक भाई को दे दिए, और 1 रुपया किसी एक को दे दिया, और 4 रुपये किसी एक को दे दिए, तो आपके पास टोटल रुपये कितने थे, 10 रुपये। आपने वो डिवाइड कर दिए बेटा, पैचेस में डिवाइड कर दिए। अगर आप उन पैचेस को सम कर लें दोबारा से, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, लिखी हुई आ जाएगी बेटा, बात समझ आ गई। वही बात यहाँ पे है बेटा कि आपने पहले आपने पूरे सरफेस को पैचेस में डिवाइड कर दिया, उन पैचेस का आप अलग अलग एरिया का सम ले रहे हैं, अलग अलग एरिया का सम ले के, तो वो पैचेस, वो टोटल सरफेस का सम आ जाएगा, टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे कि भाई ये क्या बन जाएगा, ई, ठीक है, इनटू ये टोटल क्या है बेटा, टोटल एरिया ऑफ सफेयर। बेटा बात समझ आ गई, ये क्या है, एरिया ऑफ सफेयर है। तो अब यहाँ से हम क्या बात करेंगे बेटा कि ये फाई को हम मालूम कर रहे हैं, अब इनके डिफरेंट फार्मूलाज हम पुट करते हैं यहाँ पे कि भाई ई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q/r² ये, दिस q इज़ द चार्ज इंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बेटा बात समझ आ गई, एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द सरफेस, बेटा ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा अब ये तो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी है, और बेटा एरिया ऑफ सफेयर क्या होता है, वो किसी को पता है क्या होता है, वो होता है बेटा 4 pi r² वो क्या होता है 4 pi r², ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम phi इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें 1/4 pi epsilon naught q/r² मल्टीप्लाई एरिया 4 pi r² इस r स्क्वायर से कैंसिल, 4 pi इस 4 pi से कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, phi इज इक्वल टू q/ε₀। बेटा बात समझ आ गई, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया है, किसका बेटा, क्लोज सरफेस का, ठीक। अच्छा तो ये क्या है, ये बेटा लिखा हुआ है कि 1/ε₀ इंटू चार्ज इंक्लोज्ड बाय बॉडी, बाय क्लोज्ड बॉडी। बेटा बात समझ आ गई, या क्लोज सरफेस, जो क्लोज, एक क्लोज सरफेस ने जो चार्ज क्लोज किया हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1/ε₀ के साथ। ये हम कल पढ़ेंगे गाज़ीला क्या होता है, ये गाज़ीला की स्टेटमेंट है बेटा ये, ठीक है। अब ज़रा देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, क्या होती है कि मीडियम कौन सा है हमारे पास, उसकी नेचर कैसी है बेटा, बात समझ आ गई। अच्छा अब यहाँ से अगर हम बात और देखें, अगर हम इस सफेयर को इस किसी और क्लोज सरफेस में इंक्लोज कर दें, यानी कि ये हमारे पास एक सफेयर है ये वाला ठीक है, और ये इसके अंदर चार्ज इंक्लोज किया हुआ हमने, ठीक है, और इसको हमने क्या किया बेटा, एक और किसी शक्ल के क्लोज सरफेस में इंक्लोज किया हुआ है, तो जो फ्लक्स इसका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उतना ही फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का भी होगा बेटा, बात समझ आ गई, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एमिट होंगे ना। ठीक है बेटा, जितनी लाइन इससे पास हो रही उतनी ही लाइन इस क्लोज सरफेस से पास होंगी, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही होगा बेटा, वो इसका फ्लक्स कितना है, q/ε₀, तो इसका फ्लक्स भी q/ε₀ होगा बेटा। ये हमने जो मालूम किया है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया, क्या मालूम किया है, ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया है, का कल हम मालूम करेंगे एन नंबर ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ से एक बात समझ आ गई कि इसकी शक्ल स्फेरिकल थी, इसका फ्लक्स भी इतना q/ε₀, इसकी शक्ल किसी और तरह की है, इसका फ्लक्स भी q/ε₀ बेटा, बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे, यहाँ से हमें कुछ बात समझ आ गई,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो शेप पर डिपेंड नहीं करती, यानी ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं करती। बेटा बात समझ आ गई। डिपेंडेंस की अगर बात करें, डिपेंडेंस अगर हम देखें ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इनडिपेंडेंट है किसके, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, ज्योमेट्रिकल शेप पर, इनडिपेंडेंट है ये, ठीक है। अच्छा किस पे डिपेंड करता है, कि डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, जो हमें इस फार्मूले में भी नजर आ रही हैं। कौन से बेटा, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है, कि अगर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। दूसरा ये क्या है, मीडियम, मीडियम की नेचर कैसी है बेटा, बात समझ आ गई। तो हम लिखेंगे दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा बेटा नेचर ऑफ मीडियम, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता। अब शेप जैसी मर्जी हो, जैसे ये शेप थी बेटा डिफरेंट शेप थी, लेकिन इसका फ्लक्स क्या था, सेम था, ठीक है। तो अब मीडियम पे डिपेंड करेगा कि इस चार्ज के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में मीडियम क्या है, ठीक है। तो अगर हमने कोई इंसुलेटर रखा हुआ है तो फिर फ्लक्स कुछ और होगा, अगर हमने खाली छोड़ा हुआ है तो फिर फ्लक्स कुछ और होगा, कोई और मीडियम रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स कुछ और होगा बेटा, बात समझ आ गई। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।